पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने से पहले ही इनेलो और कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया है। अभय चौटाला के लगातार बयान पर अब बारी हुड्डा की जेल में जाने की है। इस पर कांग्रेस विधायकों ने अभय चौटाला पर पलटवार किया। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर कदम रखने से पहले ही हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। अभय चौटाला लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला को जेल भिजवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, लेकिन अब ओम प्रकाश चौटाला रिहा होकर बाहर आ रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल जाना पड़ेगा। अभय चौटाला के इस बयान पर कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर लगातार इनेलो पर हमला बोल रहे हैं और अभय चौटाला से सात सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ असंध करनाल से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी हैं। देखो, जो अभय चौटाला जी बोल रहे हैं वो शायद कोई सपना देख रहे हैं। उनके पास कौन सी अथॉरिटी है, कौन से कानून के तहत, कौन सी अदालत के मालिक हैं वो, जो ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब जेल जाएंगे? अगर श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल हुई है तो वो अदालत ने की है। अगर किसी और को भी जेल जाना होगा तो ये न्याय की प्रक्रिया है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए, खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए, एक वर्ग विशेष की सिंपथी लेने के लिए इस तरह का बयान देना जो है ये राजनीति में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक शिष्टाचार और मर्यादा जो है उसको पार नहीं करना चाहिए। राजनीति पर नजर रखने वालों को, राजनीति को समझने वालों का यह भी मानना है कि ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने पर कांग्रेस को फर्क पड़ेगा, खासतौर पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या फर्क पड़ेगा, कांग्रेस के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी सबकी पहचान कांग्रेस से है। किसी भी व्यक्ति को, जब चौटाला साहब पहले बाहर थे, जब चौधरी देवीलाल जी भी बाहर थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उस टाइम भी इलेक्शन जीत गया था। बुजुर्ग आदमी है, वो आएंगे, कुछ अच्छा ही होगा समाज में, जो भी वो करेंगे उसका फायदा ही होगा स्टेट को। आप कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस ही कह रही थी कि मुकाबला विधानसभा चुनाव जब भी हो, टाइम से पहले हो या टाइम पे हो, लेकिन मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में रहेगा। अब ट्रायंगल फाइट हो सकती है, ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद त्रिकोणीय संघर्ष भी हो सकता है या कोई अलायंस बनेंगे, लेकिन सियासत जरूर बदलेगी हरियाणा की। अब देखो, मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी बदलेगा। आने वाले समय में कांग्रेस का एक तरफा इलेक्शन होगा, लड़ेंगे तो सब, लड़ने को तो जो बीजेपी है वो भी लड़ेगी। जो बीजेपी की आज हालात हैं वो भी आप देख रहे हो, जब उनके तो लीडर इतने बौखला गए हैं कि हमारे माननीय सांसद जो हैं वो गालियां देते हैं, उनकी जबान पे अब मिठास ही खत्म होगी। सत्ता में होते हुए मिठास का खत्म होना यह है कि उन्होंने अपने आप को हारा हुआ मान लिया है और बुखलाहट उनके अंदर आ चुकी है। और रही दूसरी पार्टियों का, तो कोई अभी आज के दिन वजूद ही नहीं है, जब टाइम आएगा जब इस पे बात करी जाएगी। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो पार्टी सात साल में अपने जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना सकी, वो किस मुंह से ये कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे, हम बीजेपी पर भारी पड़ेंगे? देखो, बिना अध्यक्षों के बीजेपी पे भारी नहीं पड़ी इलेक्शन में, दूसरों की बसाखियों के सारे सरकार बना रखी है, बीजेपी को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है। और रही बात संगठन की, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो सात साल में नहीं, पिछले 15 साल से संगठन नहीं है, उनको पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन 15 साल का संगठन ना होना, क्या पता 15 दिन में बन जाए, ऐसी भी उम्मीद करनी चाहिए। सरकार कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बिना भेदभाव के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवा रहे हैं। आप चूंकि विपक्ष के विधायक हैं, जगबीर मलिक गोहाना से हैं, रोहतक वाले हैं, और जगह के विपक्षी विधायक लगातार ये कहते हैं कि सरकार हमारे काम नहीं करी, भेदभाव करी, जबकि मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि सब जगह विकास बराबर हो रहा है, आपके असंध में क्या हाल है? देखो, मुख्यमंत्री जी एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन राजनीति के कई बार थोड़ा बहुत इधर उधर बात करनी पड़ जाती है। वैसे बड़ा आदमी है वो, उसको बरगलाने वाले बहुत ज्यादा हैं,
लेकिन देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब जगह समान विकास हो रहा है। सब जगह अगर समान विकास हो रहा होता तो फिर असंध में भी होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन से जूझ रही बीजेपी के सामने कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपा रही है और कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अब ओम प्रकाश चौटाला जेल से छूटकर बाहर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति बदलेगी, आगे क्या होता है उसका इंतजार करना होगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, असंध, करनाल।